Hey guys, welcome you all. So Tisnet 2023 best program to choose. Guys, placement stats को लेकर मैंने already video बना रखी है with respect to the management and HRM, ODCL इनको लेकर placement already out हो चुकी है and amazing placement के stats है. राइट हेल्थ केयर मैनेजमेंट को लेकर रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था एमएचए को लेकर. हाईएस्ट पैकेज कहां तक गया था गाइस 25.3 लाख पर एनम. सो काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है आपको. सोशल वर्क रिलेटेड प्लेसमेंट स्टैट्स नहीं मिलते क्यों? क्योंकि गाइस गवर्नमेंट सेक्टर्स, एनजीओस, बहुत सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जहां आपको काम मिलता है. गाइस यहां देखो, यहां प्लेसमेंट स्टैट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ करियर आपका सेट है क्योंकि टिस आपको 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है. डेवलपमेंट स्टडीज काफी अमेजिंग प्रोग्राम है. रेगुलेटरी पॉलिसीज, गवर्नेंस, मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज. अगर आप सोशल वर्क में कुछ करना चाहते हो तो भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स है. सो कौन से पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको चूज करने चाहिए इस वीडियो में बात करेंगे क्योंकि स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है. काफी सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया है, सर 15th of January इज द लास्ट डेट और कुछ टाइम बचा है, बस अब बता दो. सो नाउ दिस वीडियो फॉर यू ओनली. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रोग्राम्स है लाइक एचआरएम. अगर आपका इंटरेस्ट है टुवार्ड्स मैनेजमेंट, ठीक है, कोई भी फील्ड से आप आए हो, सपोज आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, ओके, या फिर बीएससी किया है, बीबीए और बीएमएस कैंडिडेट मैनेजमेंट से ही हो, एचआरएम फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट. और बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा एचआरएम, राइट. दे आफ्टर अगर आप प्लेसमेंट स्टैट्स को देखते हो, फी स्ट्रक्चर तो सारे प्रोग्राम्स की कम है यहाँ एक्सेप्ट ओडीसीएल एंड एनालिटिक्स क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंस प्रोग्राम्स है, राइट. सो इनकी फीस हो जाएगी अप टू 7 लाख. बाकी सबकी जो फीस है वो होगी अंडर 2 लाख. लेकिन इफ यू हैव कीन इंटरेस्ट इन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, देन आपको चूज करना है आउट ऑफ एचआरएम, ओडीसीएल अगर एक्सपीरियंस है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं. लेबर स्टडीज एंड प्रैक्टिस एलएसपी काफी अच्छा प्रोग्राम है गाइस और डिसेंट प्लेसमेंट पैकेज मिलते हैं यहाँ पर. अप टू 10-12 लाख पर एनम का पैकेज इजीली मिलेगा. एनालिटिक्स के लिए आप जा सकते हो, फी स्ट्रक्चर हाई लग रही है, इट्स ओके. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स, आपके पास कुछ आइडियाज है, ओके, बिजनेस आगे करना है, बिजनेस को लेकर कुछ आइडियाज है, देन डेफिनेटली गाइस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप ही आपको प्रोग्राम चूज करना चाहिए. फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल या मैनेजमेंट लेवल पर काम करना चाहते हो देन, और हेल्थ केयर सेक्टर में भी जाना चाहते हो, ठीक है, ये तीनों पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है यहां एमएचए में या फिर सीओडीपी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिस, एंड थर्ड वन एमपीएच. लेकिन एमपीएच में आपको चूज करना होगा हेल्थ पॉलिसी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, यहां भी आपका करियर इमेंस है. सेकेंड वन, अगर आप चाहते हो कि डेवलपमेंट स्टडीज, रूरल डेवलपमेंट को लेकर, ठीक है, रेगुलेटरी पॉलिसीज, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स में अगर आप काम करना चाहते हो, देन इन चारों प्रोग्राम से कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम चूज कर लो. आउट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, रेगुलेटरी के बहुत सारे, अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस, वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस एंड रेगुलेटरी गवर्नेंस, इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्राम चूज कर सकते हो. पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस को लेकर हैदराबाद कैंपस, उसे आप टारगेट कर सकते हो, राइट. एमपीएच हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल एपिडेमियोलॉजी इफ यू आर लुकिंग फॉर गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिसेफ एंड WHO, राइट गाइस, यहां भी आपका करियर इमेंस है. एमपीएच को लेकर प्लेसमेंट स्टैट्स मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं गाइस, 18-20 लाख आप पकड़ के चलो दी हाईएस्ट पैकेज एंड या 10-12. ओके, इफ अगर आपको लगता है सोसाइटी के लिए कुछ करना है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी स्टडीज द बेस्ट प्रोग्राम और इसकी नीड है आने वाले टाइम में गाइस, ओके. दे आफ्टर सोशल वर्क इन रूरल डेवलपमेंट तुलजापुर कैंपस, डिजास्टर मैनेजमेंट मुंबई कैंपस अमेजिंग. दे आफ्टर सोशल वर्क रिलेटेड आप पब्लिक हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ के लिए भी जा सकते हो इन प्रोग्राम्स के लिए. एंड इफ यू हैव कीन इंटरेस्ट टू एक्सप्लोर द हिस्ट्रीज, कल्चरल स्टडीज, देन गाइस मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज इज वेटिंग फॉर यू, यहां भी आपका करियर इमेंस है. सी द मोस्ट कॉम्पिटिशन विल बी ओवर हियर इन द मैनेजमेंट प्रोग्राम्स एचआरएम ओडीसीएल क्योंकि इनके प्लेसमेंट स्टैट्स बोलते हैं भाई मेरे पास आओ, राइट. लेकिन बाकी सारे जो प्रोग्राम्स है वो आपको बुलाएंगे नहीं क्योंकि आपको लगता है यार ये क्या प्रोग्राम है, गवर्नेंस, रेगुलेटरी पॉलिसीज, ये पब्लिक हेल्थ क्या है, ये मेंटल हेल्थ क्या है. गाइस प्रोग्राम सारे अमेजिंग है, 100% प्लेसमेंट है सब प्रोग्राम्स में और हाँ फी स्ट्रक्चर भी काफी कम. सो अब आपको ये डिसाइड करना है. मैं तो बता देता हूं, देखो मैंने तो बता दिया है कि मैनेजमेंट से आप कौन सा चूज कर सकते हो, हेल्थ केयर सेक्टर से कौन सा चूज कर सकते हो, सोशल वर्क रिलेटेड कौन से चूज कर सकते हो. अब ये आपके ऊपर है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो आगे, देन
अकॉर्डिंगली सेलेक्ट दीज प्रोग्राम्स। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोग्राम चूज करोगे देन गाइस इट्स वर्थ इट। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कुछ डाउट्स है आस्क मी इन द बिलो कमेंट सेक्शन। और हाँ, एग्जाम की डेट आने वाली है बहुत जल्दी, लेकिन प्रिपरेशन कितना हुआ है ये मुझे बता दो, और प्रिपरेशन नहीं हुआ है देन प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो गाइस, मॉक टेस्ट देना चालू कर दो, और स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में आपको मेंशन करना है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एनी डाउट्स आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर ऑल एग्जाम अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस फॉलो आवर सोशल मीडिया हैंडल्स सच एज यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम ग्रुप। दैट्स ऑल गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, सी यू नेक्स्ट वीक।